हाय एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो वेयर वी'ल बी डिस्कसिंग कि अभी कुछ दिन पहले ही ये जो इंस्टेंस हुआ था, इस इंस्टेंस के पीछे क्या लॉ और क्या लॉजिक है। ठीक है, तो ये इंस्टेंस आप सभी लोग जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो आपको सिर्फ इतना टाइप करना है, राहुल गांधी स्पीच इन पार्लियामेंट। आपको समझ में आएगा कि अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में, लोकसभा में हो रही एक डिबेट में, राहुल गांधी जी ने अपने बैग में से शिव जी की, गौतम बुद्ध की, गुरु नानक देव की, इन सब की तस्वीरें निकाल करके लोगों को दिखाई। और लोगों को दिखाते हुए उन्होंने ये कहा कि ये सभी देवी देवता आपको अभय मुद्रा में दिखाई देते हैं। अभय मुद्रा कांग्रेस का चिन्ह है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब ऑपोजिशन पार्टी या फिर रूलिंग पार्टी जो इस समय है भारतीय जनता पार्टी, जब भी कभी हिंदू हिंदुत्व हिंदुवाद की बात करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ वायलेंस की बात करती है, जबकि अभय मुद्रा नॉन वायलेंस की बारे में बात करती है। तो इस चीज को लेकर के पूरे इंटरनेट पर, पूरे देश भर में बहुत ज्यादा डिबेट हुई। इसी चीज को लेकर के उसी समय लोकसभा में ओम बिरला साहब ने राहुल गांधी जी को टोका और कहा रूल्स पर स्टिक करिए, ये सारी चीजें यहां नहीं चलेंगी। राहुल गांधी ने कहा बताइए, मैं शिव जी की तस्वीर दिखा रहा हूं, वो नाराज हो रहे हैं। और इन्हीं सारी चीजों के बीच में रूलिंग पार्टी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठ करके अपना भाषण देते हुए कहा कि इनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप जनरलाइज नहीं कर सकते, आप ऐसी चीजें नहीं कह सकते, ये ऑफेंसिव है एंड एवरीथिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसकी वजह से राहुल गांधी जी को ये सारी बातें कहने की इजाजत है, और कौन सी चीजें हैं जो इन्हें रोकती हैं, जो पार्लियामेंट में ये सारा डिस्कशन हुआ वो क्यों हुआ, और इसके पीछे की लीगल बैकिंग क्या है। लेट्स गेट इनटू इट। स्टार्टिंग आउट एट द वेरी फ्रंट इज आर्टिकल 105, रेड विद आर्टिकल 194, 105 एंड 194 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, भारत का संविधान आर्टिकल 105, अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 में सारे ही मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ये प्रिविलेज देता है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की परिभाषा में ये आता है, ये प्रिविलेज देता है कि यदि पार्लियामेंट में आप कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं, तो वो सारी ही चीजें आपके लिए एक तरीके से शील्ड का काम करेंगी, आपको सिविल लायबिलिटी इनकर नहीं करने दी जाएगी। यू विल नॉट बी लेवीड विद एनी काइंड ऑफ सिविल लायबिलिटी। हाँ, अगर आप कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं कि आपने मारपीट दिया या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करी तो वो बिल्कुल शामिल होगा। इनफैक्ट पहले यह भी समझा जाता था कि पार्लियामेंट के अंदर अगर हम ब्राइबरी की बात करें तो वो भी प्रोटेक्टेड है, और पहले प्रोटेक्टेड थी भी। हाउएवर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख बदलते हुए ये कहा कि भाई पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस डू नॉट एक्सटेंड टू ग्रांट प्रोटेक्शंस टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन केसेस ऑफ ब्राइबरी। वरना इससे पहले हम लोग इन प्रिविलेजेस के अंडर ब्राइब्स लेने को भी सम्मिलित करते थे, आज हम नहीं करते। हाउएवर आप जब पार्लियामेंट में इसकी बात करते हैं तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच हर व्यक्ति को है, कहां दिया हुआ है? आर्टिकल 19 में। करेक्ट, आर्टिकल 19 में हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया हुआ है। इसी आर्टिकल को हम दो और आर्टिकल्स के साथ पढ़ते हैं, आर्टिकल 14 और 21। विद मी सो फार, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां से इसको हटा रहा हूं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन का गोल्डन ट्रायंगल भी कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स का गोल्डन ट्रायंगल भी कहा जाता है। 14, 19 एंड 21। 19 हमें अधिकार देता है अपनी बातों को व्यक्त करने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 14 हमें समानता का अधिकार देता है, और 21 हमें राइट देता है लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का। पर यह अधिकार तो सबके पास है, फिर 105 में अलग बनाने के लिए क्यों? क्योंकि समझिए, जो अधिकार हमें 19 में दिए हुए हैं, ऑल दीज राइट्स आर सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। हाउएवर 105, 194 जहां हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, इन सभी लोगों की बात करते हैं, वहां पर ये रेस्ट्रिक्शंस सम्मिलित नहीं होते सो फार एज सिविल लाइबिलिटीज आर कंसर्न्ड। तो किसी के ऊपर भी सिविल वाद नहीं लाया जा सकता इन सारे मामलों में। तो फिर अगर ऐसी फ्रीडम है
तो फिर क्यों ओम बिरला साहब कह रहे थे कि नहीं आप ये चीजें नहीं दिखा सकते, नहीं आपको नियमों का पालन करना होगा? क्या संविधान के ऊपर भी कोई नियम है? ध्यान दीजिए, नियम संविधान के ऊपर नहीं है पर संविधान से डिराइव किए जाते हैं। हां यह बात सही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द पार्लियामेंट है, पर क्या फिर पार्लियामेंट में बैठकर के व्यक्ति जो मर्जी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है? ऐसा तो नहीं होने देंगे। इसीलिए पार्लियामेंट में भी कुछ नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, प्रोसीजर होती है लोकसभा की, जिसका पीडीएफ आपको सामने दिख रहा है। आई बिलीव दिस इज रीडेबल। अगर नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा और आपके लिए जूम कर देता हूं। एंड देयर वी आर। सो दिस इज रूल नंबर 352। दो रूल्स मेंशन किए गए थे, 352 और 353। 352 एंड 353 वर मेंशनड। तो इन दोनों रूल्स को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। रूल्स टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल स्पीकिंग, ये पहला रूल है। क्या? अ मेंबर व्हाइल स्पीकिंग शैल नॉट, ध्यान दीजिए शैल शब्द का इस्तेमाल हुआ है। दिस इज अ मैंडेटरी प्रोविजन। ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं ठीक है कर लिया चल गया, नहीं, मैंडेटरी प्रोविजन है। इसके लिए डेफिनेटली टोका जा सकता है, एक्शन लिया जा सकता है। शैल नॉट रेफर टू एनी मैटर ऑफ फैक्ट विच इज फॉर विच अ जुडिशियल डिसीजन इज पेंडिंग, ठीक है। मेक पर्सनल रेफरेंस बाय वे ऑफ मेकिंग एलिगेशन, इंप्यूटिंग अ मोटिव टू और क्वेश्चनिंग द बोनाफाइड्स ऑफ एनी अदर मेंबर ऑफ द हाउस अनलेस इट बी इंपेरेटिवली नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ डिबेट बीइंग इटसेल्फ अ मैटर इन इशू और रेलेवेंट थेरटू। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन जो कि अराइज होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो राहुल गांधी जी कर रहे थे वो यही कह रहे थे कि आप लोग गलत तरीके से बताते हैं, आप लोग की परिभाषा अलग है, आप लोग हिंदू को वायलेंस से जोड़ते हैं, राइट? हाउएवर ऑन द अदर हैंड यहां पर कहा है कि आप किसी भी व्यक्ति पर पर्सनल रेफरेंस या एलिगेशन नहीं लगा सकते, उसके बोनाफाइड्स को क्वेश्चन नहीं कर सकते अनलेस एंड अंटिल बहुत ही ज्यादा अत्याधिक इसकी आवश्यकता हो, ठीक है। पर कई लोग कहेंगे कि चलिए ऐसा भी नहीं हुआ, आगे इन्हीं नियमों को आगे देखते हैं। यूज ऑफेंसिव एक्सप्रेशंस अबाउट द कंडक्ट, नॉट रेलेवेंट। रिफ्लेक्ट ऑन एनी डिटर्मिनेशन ऑफ द हाउस, नॉट रेलेवेंट। रिफ्लेक्ट अपॉन कंडक्ट ऑफ पर्सन्स इन हाई अथॉरिटी अनलेस द डिस्कशन इज बेस्ड ऑन सब्सटेंटिव मोशन ड्रॉन इन प्रॉपर टर्म्स, ठीक है, ड्रॉन इन प्रॉपर टर्म्स। चलिए, पार्लियामेंट का नाम, प्रेसिडेंट का नाम आप इस तरीके से नहीं ले सकते, ट्रीजनेबल सेडिशियस डिफेमेटरी शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप दूसरों का जो बिजनेस है इनसाइड द हाउस, जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है इनसाइड द हाउस, उसको डिसरप्ट करने के लिए नहीं कर सकते। आदमी बोलने की कोशिश करे आप हल्ला कर दो, आदमी बोलने की कोशिश करे आप चुप कर दो, आदमी बोलने की कोशिश करे आप गाली बक दो, ये चीजें नहीं कर सकते। रेफर टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बाय नेम, कैन नॉट बी डन। मेक रेफरेंस टू स्ट्रेंजर्स इन एनी ऑफ द गैलरीज, नहीं कर सकते। रीड अ रिटन स्पीच एक्सेप्ट विद द प्रीवियस परमिशन, नहीं कर सकते। 352 में एक नियम है जो कि कहीं ना कहीं यहां इवेंट से टच होता दिखाई देता है। मूविंग फर्दर, 353, नो एलिगेशन ऑफ अ डिफेमेटरी और इनक्रिमिनेटरी नेचर शैल बी मेड बाय अ मेंबर अगेंस्ट एनी पर्सन अनलेस द मेंबर हैज गिवन एन एडिक्वेट एडवांस नोटिस, एडिक्वेट एडवांस नोटिस टू द स्पीकर एंड ऑल्सो टू द मिनिस्टर, to the speaker and also to the minister concerned so that he is able to make an investigation into the matter and prepare a reply. Ab samajhiye, hum ye baat jante hain ki koi bhi vyakti kuch bhi keh sakta hai, par kahin na kahin logon ke paas apne aap ko, apni baat ko defend karne ka bhi to adhikar hai. Natural justice kya kehta hai? Natural justice ye kehta hai ki kisi bhi vyakti par bebuniyad aarop nahi lagaye ja sakte. Yadi kisi vyakti ke upar aap aarop lagate hain तो उसको खुद को डिफेंड करने का मौका दिया जाना चाहिए, राइट? एंड दैट कैन नॉट बी इमीडिएट, राइट? ऐसा नहीं कर सकते हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं अभी जवाब दो। अगर आप कार्रवाई के लिए तैयार थे तो सामने वाले को भी तैयारी का मौका दिया जाना चाहिए था। तो श्री ओम बिरला जी के द्वारा ये चीज कही गई थी कि देखिए आप रूल नंबर 352 और 353 के अगेंस्ट में जा रहे हैं और इसके चलते हुए आपको इन चीजों को रोकना पड़ेगा। आप कोई भी साइन, कोई भी प्लकार्ड ऐसा नहीं दिखा सकते हैं जिससे किसी भी व्यक्ति विशेष को, राइट, जिससे किसी भी व्यक्ति को आहत हो, राइट, क्षति पहुंचे, नुकसान हो, बुरा लगे,
उसकी बदनामी हो, उसके ऊपर कोई एलिगेशंस लग रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो एज वट एवर द इंटेंशंस माइट बी व्हाइल मेकिंग दिस फायरी स्पीच, जिसको कई जगहों पर बहुत प्रोत्साहित भी किया गया, कई जगहों पर सराहा गया और कई जगहों पर इसकी कठोर कड़ी निंदा भी की गई कि दिस इज नॉट द वे बिजनेस इन पार्लियामेंट वर्क्स, राइट। हाउएवर, इरादा जो भी रहा हो, एक चीज हमेशा से रही है और मेरे मत में, इन माय पर्सनल एंड लीगल ओपिनियन, शुड बी एप्लीकेबल टू ऑल द पर्सन्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इक्वली। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप रूलिंग में हो या आप ऑपोजिशन में हो, आपको नियमों का पालन करते हुए ही चलना पड़ेगा, तभी राजनीति का या फिर हमारे सामाजिक सुधार का स्तर थोड़ा बढ़ेगा। वरना जो स्थिति आज के समय हम देखते हैं, वही स्थिति कंटिन्यू होती रही या उससे बुरी होती गई, तो फिर हमें नहीं पता हम किस दिशा में बढ़ेंगे। आप लोगों का इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपके मन में इससे रिलेटेड और भी कोई सेक्शंस, रूल्स, प्रोविजंस, केसेस आ रहे हो, तो अपने साथियों की मदद कीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद समवन हु इज वॉचिंग दिस वीडियो एंड वॉचिंग द वीडियो ऑफ, वेल, राहुल गांधी मेकिंग दैट स्पीच, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।